नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों मेरे पास एप्सन का प्रिंटर है, मॉडल नंबर है L3116। ये प्रिंटर जो है पिछले 3 महीने से बंद पड़ा था, जिसकी वजह से जो है इस प्रिंटर से प्रिंट करने के बाद केवल सादा पेज जो है प्रिंट हो रहा है। कई बार जो है मैंने इसका हेड भी क्लीन किया है, फिर भी जो है इसमें कोई भी फर्क नहीं आया है, केवल सादा ही पेज प्रिंट कर रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको एक टेस्ट पेपर निकाल करके दिखा देता हूँ कि ये प्रिंट निकाल रहा है कि सादा पेज निकाल रहा है, जिसके लिए हम कंट्रोल पी से प्रिंट कमांड देंगे और यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करके इसको जो है हमने कमांड दे दी है प्रिंटर को, और ये प्रिंट निकाल रहा है आपके सामने, आप देख सकते हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे कि प्रिंटर ने बिल्कुल सादा ही पेज निकाला है। आप इस साइड भी देख सकते हो और इस साइड भी देख सकते हो, बिल्कुल सादा पेपर जो है प्रिंट कर रहा है। कई बार जो है मैंने इस प्रिंटर का हेड भी क्लीन किया है, लेकिन सल्यूशन नहीं मिला है। दरअसल जब प्रिंटर 2-4 महीने तक बंद पड़ा रहता है, तो उस कंडीशन में जो प्रिंटर का हेड होता है वो पूरी तरीके से जाम हो जाता है, उसमें जो है स्याही जाम हो जाती है, और उसे जो है आपको ठीक करना होता है, तभी जो है ये प्रिंटर सही होता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ कि अगर आपका प्रिंटर प्रिंट नहीं कर रहा है, बिल्कुल सादा पेज प्रिंट कर रहा है, आप कई बार जो है हेड क्लीन कर चुके हैं लेकिन कोई फर्क नहीं है, तो उसे आप कैसे ठीक करेंगे। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। आपके पास कोई भी प्रिंटर हो, हेड को जो क्लीन करने का प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम रहेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले आपको इस प्रिंटर को खोलना होगा। इस प्रिंटर को खोलना बहुत आसान है। सबसे पहले जो है आप इसे इस तरीके से खींचेंगे तो ये जो है बाहर हो जाएगा इस तरीके से। इसके बाद जो है आपको एक स्क्रू ड्राइवर ले लेना है, या फिर अगर आपके पास बड़ा वाला पेचकस है कुछ इस तरीके से तो और अच्छा रहेगा। अब आपको क्या काम करना है, इस वाले प्रिंटर में एक इस साइड में और एक इस साइड में जो है स्क्रू लगा होता है, आपको जो है आराम से देख करके उस स्क्रू को जो है इस तरीके से ओपन कर लेना है, इधर से भी और इधर से भी। दोनों स्क्रू को खोल लेने के बाद अब आपको स्कैनर वाले पार्ट को इस तरीके से ऊपर उठाना है। ऊपर उठाने के बाद इस स्कैनर वाले पार्ट को आपको ऊपर रखने के लिए आप इस साइड में या फिर इस साइड में किसी भी एक साइड में जो है इस तरीके से कुछ लगा दीजिएगा, कुछ भी आप लगा सकते हैं, ताकि ये जो स्कैनर है वो ऊपर ही रहे और जो भी मैं आपको काम बता रहा हूँ उसे करने में आसानी रहे। अब आपको क्या काम करना है, ये जो हेड है ना, इसको जो है आपको हल्के हाथों से जो है थोड़ा सा इधर की साइड में खिसका लेना है। ये बड़े ही आराम से जो है इस साइड में खिसक जाएगा इस तरीके से। और इसके बाद आपको क्या काम करना है, ये जो कलर की ट्रिप लगी हुई है इसमें जो है यहाँ पर ओपन करने के लिए एक थोड़ा सा उभरा हुआ रहेगा, आप इसे प्रेस करेंगे तो इस तरीके से इस कलर वाली ट्रिप को आप बाहर निकाल सकते हैं। बस आप इस तरीके से प्रेस करिएगा तो सभी ट्रिप को जो है आप एक एक करके इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। बस आपको जो है ये जो इसमें जो लगा होगा उसको जो है थोड़ा सा प्रेस करना है, इस तरीके से होगा। उसे जो है जैसे ही आप इस तरीके से प्रेस करेंगे वो ऑटोमेटिक जो है बाहर इस तरीके से आ जाएगा। कलर को निकालने के बाद ये कलर जो है जहाँ पर प्लग हुए थे, ये जो वाइट कलर का हिस्सा है इसको भी जो है आपको निकालना है। इसे निकालने के लिए आप इस तरीके से एक स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए और इस साइड से जो है आपको थोड़ा सा पुश करना है। ये जो वाइट कलर का हिस्सा इधर दिख रहा होगा आपको, इसको जो है आपको थोड़ा सा बस पुश करना है। थोड़ा सा दोस्तों आपको ध्यान दे करके निकालना है। देखिए ये जो है इसी तरीके से होगा, आप देख सकते हैं। इसी को जो है आपको प्रेस करना होगा उस साइड से, और इधर भी आपको एक बना हुआ मिलेगा। इसको जब आप इस तरीके से प्रेस करोगे ना दोनों साइड से, ये तो ये जो है ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है। अब दोस्तों आपको क्या काम करना है कि अब हेड को जो है बाहर निकालना है। हेड को निकालने के लिए वहां पर देखिए एक स्क्रू लगा हुआ है, एक स्क्रू इधर लगा हुआ है और एक स्क्रू जो है इस साइड में होगा। टोटल 3 स्क्रू होंगे, एक उधर होगा, एक इधर और एक इधर। तीनों स्क्रू को जो है आपको खोलना है। टोटल 3 ही स्क्रू होते हैं। 3 स्क्रू को आपको खोलने के बाद अब जो है आप अपने हेड को कुछ इस तरीके से हाथों से पकड़ करके ऊपर की साइड में निकालेंगे। बड़े ही आराम से दोस्तों आपको निकालना है। इस तरीके से आपका जो हेड है वो निकल करके आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये आपका है वो मेन हेड है। यहाँ पर जो है कलर की स्ट्रिप लगी होगी इस तरीके से, जैसा कि आप देख सकते हैं।
तो आपको क्या काम करना है, कलर की जो स्ट्रिप है उसको थोड़ा सा इस तरीके से खींचना है, वो कलर की स्ट्रिप जो है यहाँ से निकल के बाहर आ जाएगी, आप ये देख सकते हैं। अब आपको क्या काम करना है, इस हेड को जो है क्लीन करना है। क्लीन करते वक्त एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि जब आप इसे क्लीन करेंगे तो जहाँ पर ये कलर की स्ट्रिप लगी हुई थी, यानी कि ये वाला हिस्सा, इसमें जो है आपको गंदगी नहीं जाने देनी है, वरना ये हेड जो है पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो चलिए इसे जो है साफ़ कैसे करना है, इस हेड को पूरी तरीके से क्लीन कैसे करना है वो सीखते हैं। अब दोस्तों आपको क्या काम करना है, आपको ले लेना है एक कटोरे में पानी, और एक साफ़ कटोरी आपको ले लेनी है, इस तरीके से खाली रहनी चाहिए, क्योंकि जब हम इस हेड को क्लीन करेंगे तो इसमें से जो गंदगी आएगी वो हम इसी में निकालेंगे। इसके बाद जो है आपको ले लेना है इस तरीके से एक सिरंजी। ये सिरंजी जो है आपको आराम से किसी भी मेडिकल पर या फिर डॉक्टर के यहाँ पर मिल जाएगी, ख़राब सिरंजी ही ले लीजिएगा। और इसके बाद जो है आपको इस तरीके से ले लेना है एक पाइप, जिसको जो है हम इसमें इस तरीके से फिट करेंगे। अब ये पाइप आपको कहाँ पर मिलेगा, तो आपने देखा होगा जो बोतल चढ़ाते हैं ना, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, इस तरीके से आपको ये वाली जो पाइप है वो इसमें मिल जाती है, जो बोतल लोग चढ़ाते हैं ना उसमें ये पाइप होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वो पाइप ले लेनी है और इस पाइप को जो है इस तरीके से इसमें फिट कर देना है। इस पाइप की जगह पर आप जो है ये जो प्रिंटर की पाइप होती है इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास प्रिंटर की पाइप है तो और अच्छी बात है, आपको इस पाइप की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब एक चीज़ का और आपको ध्यान देना है कि अब आपको क्या काम करना है, ये जो हेड का जो जहाँ पर हमारा कलर का स्ट्रिप लगा हुआ था, ये हिस्सा आपको हमेशा ऊपर ही रखना है, क्योंकि इसमें पानी नहीं जाना चाहिए और गंदगी भी नहीं जाना चाहिए। इसके बाद जो है जो आपने पानी लिया है उसको जो है इस तरीके से इस वाली सिरंजी में भरना है। पानी को भरने के बाद जो है यहाँ पर जितने भी कलर के होल दिए गए हैं इनमें जो है आपको बारी बारी से इस पाइप को लगाना है, कुछ इस तरीके से। पाइप को लगा लेने के बाद जो है आपको ये जो आपने कटोरी रखी है इसी में जो है आपको इस तरीके से प्रेशर देना है। तो देखिए कितना प्रेशर से जो है प्रिंटर तक इसने फेंक दिया है, तो आपको जो है इसी में प्रेशर देना है नीचे करके। तो आप देखेंगे कितनी जो है यहाँ पर गंदगी निकली है। इसी तरीके से आपको दोबारा से जो है इसको पानी से भरना है और दोबारा से इसी वाले कलर को साफ़ करना है। इसे आपको जो है तब तक साफ़ करना है जब तक जो है इसमें से साफ़ पानी ना निकलने लगे। ठीक है, अब दोस्तों पहला वाला जो कलर है वो साफ़ हो गया है, आप देखेंगे इस साइड में साफ़ पानी आ रहा है, यानी कि प्रेशर से जो पानी आया है वो बिल्कुल साफ़ आ रहा है। ठीक है, अब हमारा ये पहला वाला क्लियर हो गया है। अब इसी तरह से दूसरा वाला क्लियर करना है। अब आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर गिरा रहा हूँ तो पानी बिल्कुल साफ़ आ रहा है, यानी कि पीला वाला जो कलर वाला है वो भी एरिया हमने साफ़ कर दिया है। ठीक है, हमने जो है दोस्तों काला वाला और पीला वाला दो कलर को साफ़ कर दिया है। इसी तरीके से हम इन दोनों कलर में जो है पानी डाल करके साफ़ करेंगे। दोस्तों तीसरे वाले कलर में जो है ज़्यादा कलर ब्लॉक नहीं हुआ था, जिसकी वजह से आप देखेंगे बिल्कुल साफ़ पानी ही आया है, थोड़ी बहुत जो भी गंदगी है वो हमने साफ़ कर दी है। एक बार और जो है इसमें सिरंजी से पानी डाल देंगे। अब दोस्तों तीसरा कलर वाला हिस्सा भी जो है हमने साफ़ कर दिया है, इसी तरीके से हम चौथा कलर भी साफ़ करेंगे। हमने दोस्तों एक एक करके सभी स्ट्रिप को क्लियर कर दिया है, यानी कि सभी को साफ़ कर दिया है। फिर भी तसल्ली के लिए मैं एक एक सिरंजी जो पानी है वो फिर से जो है सभी कलर की स्ट्रिप में डालने वाला हूँ।
अब दोस्तों हमने हेड के चारों कलर को क्लियर कर दिया है। आपने देखा होगा कि पानी का प्रेशर काफ़ी तेज़ गति से जो है अब बाहर आ रहा था। अब दोस्तों आपको पानी की ज़रूरत नहीं है, आपको पानी को जो है यहाँ से फेंक देना है। अब जो है आपको केवल इस हेड के अंदर जो है हवा का प्रेशर देना है। जिस तरीके से आपने पानी का प्रेशर दिया था उसी तरीके से आपको 5-5 बार जो है यहाँ पर हवा का प्रेशर देना है, ठीक है। तो देखेंगे जो भी इसके अंदर पानी होगा वो बाहर आ रहा है, आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप जो है एक एक कलर में जो है 5-5 बार जो है केवल हवा भर देंगे तो जो इसमें पानी है वो पूरी तरीके से बाहर आ जाएगा। देखिए पहला वाला जो है वो क्लियर हो गया है। इसी तरीके से दूसरे वाले पे भी हवा का ही प्रेशर देंगे। तो देखिए जो भी पानी था वो पूरा प्रेशर से जो है बाहर फेंका है। इसी तरीके से अगले वाले कलर में प्रेशर देंगे। देखा आपने ये वाला भी जो है इसमें काफ़ी पानी अभी भी भरा हुआ था, काफ़ी जो है इसमें गंदगी अभी भी भरी हुई थी, वो जो है केवल आप हवा का प्रेशर देंगे तो वो जो है साफ़ होगा। तो आपको हवा का भी प्रेशर ज़रूर देना है। इस तरीके से दोस्तों हमने सभी में जो है हवा का प्रेशर दे दिया है। तो दोस्तों जिस तरीके से मैंने जो है इस सिरंजी का इस्तेमाल करके हवा के प्रेशर से जो है सभी कलर को साफ़ किया है, आपको भी जो है पानी से कलर को साफ़ करने के बाद यानी कि हेड में जितने भी कलर के ये जो प्लग दिए गए हैं सभी को जो है पानी से साफ़ करने के बाद आपको कम से कम 5 बार जो है हवा से भी साफ़ करना है। आपको जो है सिरंजी में इस तरीके से हवा का प्रेशर बनाना है और ये जो कलर के प्लग दिए गए हैं सभी में जो है इस तरीके से बारी बारी से आपको जो है हवा को जो है प्रेशर मारना है। ऐसा मारने से ये होगा कि थोड़ा बहुत अगर इसमें एयर रहेगा या फिर थोड़ा बहुत पानी वगैरह रहेगा तो वो जो है निकल जाएगा, तो जिससे जो है ये और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कम से कम जो है आपको एक कलर में 5 बार जो है हवा का प्रेशर से यहाँ पर इसको क्लियर करना है। क्लियर करने के बाद जो है अगर हेड में जो है यहाँ पर ऊपरी हिस्से में थोड़ा बहुत जो है अगर पानी रह जाता है, यहाँ पर थोड़ा बहुत पानी दिखाई देगा आपको, तो उस कंडीशन में आपको जो है एकदम नरम कपड़ा लेना है, मुलायम रहे एकदम कपड़ा, और इस हेड को जो है थोड़ा सा इस तरीके से बस टच कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आप टच कर देंगे तो इस पे जो पानी रहेगा वो सूख जाएगा। और इसके बाद जो है अब आपको कुछ नहीं करना है, इस हेड को जो है आपको कम से कम 2 घंटे तक, कम से कम आपको 2 घंटे तक रख देना है सूखने के लिए, ठीक है। दोस्तों लगभग 2.5 घंटे बाद अब जो है हम इसे फिट करेंगे। सूखने के लिए आपको ज़्यादा धूप में जो है इसे नहीं रखना है, आपको छांव में रखना है या फिर आप पंखे के नीचे, टेबल फ़ैन है तो उसको चालू करके भी रख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों शाम का समय हो गया है इसलिए मैंने जो है लाइट जला ली है, क्योंकि मैंने इसे दोपहर में खोला था और उसके बाद जो है मैंने इसे साफ़ वगैरह कर करके इसको छोड़ दिया था। 2.5-3 घंटे बाद जो है मैं इसे सेट करने जा रहा हूँ। सेट करने के लिए आपको क्या काम करना है कि जो आपने ये कलर वाली स्ट्रिप को निकाला था इस स्ट्रिप को जो है आपको इसके अंदर प्लग करना है। सेट कैसे करना है, इसमें ये जो चमक रहा है ये ऊपर की साइड में ही रहेगा, यानी कि ये जो आपका हेड है इस साइड में जो है ये चमकने वाला रहेगा और इसको जो है आपको सिर्फ इस तरीके से सेट करना है। आप जो है अपने हिसाब से जो है इसको सेट करिएगा, आप उस पर देख लीजिएगा। और सेट करना बहुत आसान है, बस इसमें आप लगा करके इस तरीके से इसमें प्लग कर देंगे, बस आपको जो है इसके अंदर लगाना है और इस तरीके से थोड़ा सा प्रेशर देना है तो इसके बाद जो है ये सेट हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से सेट हो गया है। अब आपको जो है इसे जिस तरीके से आपने निकाला था उसी तरीके से जो है आपको इसके अंदर जो है फिट करना है, ठीक है। आपको क्या काम करना है दोस्तों, इस तरीके से पकड़ना है, इसे ध्यान से समझिएगा। ऊपर 2 स्क्रू रहेगा और नीचे जो है 1 स्क्रू रहेगा, और ये जो आपको स्क्रू वाला सिस्टम है ये नीचे भी दिखाई देगा, देखिए 2 उधर है और 1 इधर है, ठीक है। तो आपको जो है इसी तरीके से पकड़ना है और इसके अंदर जो है आपको सेट करना है। बस आप आराम से जो है इसके अंदर छोड़ेंगे तो ये जो है पूरा जा करके इसके अंदर सेट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से।
और ये जो कलर वाली स्ट्रिप है इसको जो है आप थोड़ा सा मोड़ करके इसके अंदर जो है सांचा बना हुआ है आप उसके अंदर इस तरीके से डाल देंगे तो वो इसके अंदर चला जाएगा। और इसको भी जो है आपको इसके अंदर इस तरीके से लगा देना है, मतलब कि जिस तरीके से आपने इसको निकाला था सेम उसी तरीके से आपको इसके अंदर फिट कर देना है और ये फिट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या काम करना है, ये जो आपने स्क्रू निकाले थे इन सभी स्क्रू को जो है इसके अंदर कस देना है। तो दोस्तों तीनों स्क्रू जो है मैंने कस दिए हैं। इसमें जो है आपको जल्दीबाजी नहीं करनी होती है ना, आपको ध्यान देना है बड़े ही आराम से आपको फिट करना है, क्योंकि अगर आपने एक भी चीज़ इसमें से तोड़ दी या फिर एक भी चीज़ अगर आपने ख़राब कर दी तो पूरा का पूरा हेड जो है वो ख़राब हो जाएगा, पूरा का पूरा हेड जो है आपको बदलना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको क्या काम करना है, ये जो आपने वाइट कलर का निकाला है ये जो प्लास्टिक वाला, इसको इसके अंदर फिट करना है। इसको इस तरीके से पकड़ लेना है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है आप देख लीजिए ये दबने वाला हिस्सा है और इधर भी है। ठीक है, आपको इसे पकड़ लेना है, ध्यान रहे कि इधर जो है इस तरीके से मुड़ा रहेगा, ये हिस्सा पीछे जाएगा। ठीक है, आपको जो है इसमें पकड़ना है इस तरीके से, इसमें सांचा बना हुआ है। ठीक है, उसी सांचे में जो है आपको बस इस तरीके से रखना है और रखने के बाद जो है उंगली से बस इस तरीके से प्रेस कर देना है, ऑटोमेटिक जा करके इसमें फिट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा जो है परेशान होने वाली बात नहीं है। अब इसके बाद आपको क्या काम करना है, सभी कलर को जिस तरीके से आपने जो है निकाला था उसी तरीके से जो है आपको इसके अंदर फिट कर देना है। ठीक है, इस तरीके से इस कलर को पकड़िएगा, जैसे कलर जिस साइड में है उसी साइड में आपको फिट करना है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इधर जो है ब्लैक रहेगा, फिर जो है येल्लो रहेगा, फिर इसके बाद जो है मजेंटा रहेगा, फिर इसके बाद जो है सियान रहेगा। ठीक है, इसीलिए दोस्तों मैंने ये चीज़ यहाँ से हटाया नहीं, ताकि अगर मैं भूल भी जाऊँ कलर के बारे में तो इसी से आइडिया मिल जाएगी कौन सा कलर पहले लगा था। ठीक है, तो ये वाला जो कलर है वो पहले लगा था, तो हम इसको दबाएंगे इस तरीके से और इसके अंदर ला करके बस इस तरीके से फिट करेंगे। इसके बाद जो है अब आपको कुछ नहीं करना है, इसे बंद कर देना है, जिस तरीके से आपने इसे ओपन किया था उसी तरीके से जो है आपको इसे बंद कर देना है। इस तरीके से जो है ये बंद हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसे पूरा बंद कर दिया है जिस तरीके से हमने ओपन किया था। दोस्तों प्रिंटर को बंद करने के बाद अभी जो है आपको प्रिंट नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि प्रिंटर को अच्छे तरीके से बंद कर दीजिए। इसके बाद जो है आपको अपने प्रिंटर को अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना है और अपने प्रिंटर में जो लाइट है उसको भी कनेक्ट करना है, यानी कि प्रिंटर का जो स्विच है उसको ऑन कर देना है। इसके बाद जो है अब आपको इस प्रिंटर का हेड को जो है क्लीन करना है। प्रिंटर के हेड को क्लीन करने के लिए सबसे पहले आपको प्रिंटर के सेटिंग में जाना होगा। इसके लिए जो है आप टास्क बार पे शो हिडन आइकन पर क्लिक करिए। आपका प्रिंटर कंप्यूटर के साथ अटैच रहना चाहिए, यानी कि कंप्यूटर में अटैच कर लीजिए। यहाँ पर आपके प्रिंटर का आइकन दिखाई देगा, आप इस पर माउस का राइट क्लिक करिए और यहाँ पर प्रिंटर की सेटिंग मिलेगी। आप इस तरीके से भी प्रिंटर की सेटिंग में आ जाएंगे। इसके बाद जो है आप मेंटेनेंस पर क्लिक करिए और यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन दिखाई देगा हेड क्लीनिंग का, तो आप इस पर क्लिक करिए। इसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस होगा और इसके बाद जो है आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और इसके बाद जो हेड क्लीनिंग का प्रोसेस है वो चलेगा। इसमें थोड़ा सा समय लगता है, तब तक जो है आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। हेड क्लीनिंग हो जाने के बाद आपको फिनिश पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा पावर क्लीनिंग का, तो आपको पावर क्लीनिंग पर एक बार क्लिक करना है। आपको जो है एक बार पावर क्लीनिंग भी करनी है, इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। इन दोनों ऑप्शन पर टिक लगाना है, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है। पावर क्लीनिंग होने में कम से कम 20 से 25 मिनट का समय लगता है, तो यहाँ पर आपको जो है लंबे समय तक वेट करना होगा। चलिए वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। पावर क्लीनिंग करने के बाद अब आपको जो है फिनिश पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं आपको लाइव जो है नजल को चेक करके दिखाता हूँ। मैंने प्रिंटर भी दिखाया है आपको और कंप्यूटर भी दिखा रहा हूँ। हम इस पर क्लिक करेंगे,
इसके बाद जो है दोबारा से आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, प्रिंट पर क्लिक करिएगा और इसके बाद जो है प्रिंटर के पास जो है कमांड चली जाएगी और इसके बाद जो नज़र चेक का प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। अभी जो है सब कुछ आपके सामने दिखा रहा हूँ, प्रिंटिंग का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। अब आप दोस्तों देख सकते हो कितना बेहतरीन तरीके से जो है हमारा प्रिंट यहाँ पर आ रहा है। पहले जो है बिल्कुल भी प्रिंट नहीं आ रहा था, मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही दिखाया था और आप यहाँ पर देखेंगे सभी जो कलर हैं वो सभी कलर भी आ रहे हैं, शायद आपको दिख रहा होगा। इसमें जो लाइनिंग है वो थोड़ी थोड़ी सी कट रही है, इसे जो है अगर आप एक दो बार और जो है हेड क्लीन करते हैं तो ये लाइन भी जो है बिल्कुल सही तरीके से आएगी। अब आप देख सकते हो पूरा अच्छे तरीके से प्रिंट आ रहा है। चलिए अब जो है मैं आपको एक ब्लैक एंड वाइट और एक कलर जो है प्रिंट निकाल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करके दिखाता हूँ। हम कंट्रोल पी से प्रिंट कमांड देंगे और यहाँ से जो है प्रिंटर को हमने प्रिंट कमांड दे दी है, प्रिंटर जो है प्रिंट कर रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं और आपके सामने जो है लाइव जो है आप ये देख सकते हैं प्रिंटर कितनी अच्छी क्वालिटी में जो है प्रिंट करके दे रहा है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको जो है इसी पेपर पर कलर भी जो है प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो हम इसी पेपर को जो है दोबारा से डाल देते हैं। कलर प्रिंट कमांड भी जो है हम कंप्यूटर से देते हैं, हमने कंप्यूटर से दे दी है, अब प्रिंटर से जो है वो प्रिंट होकर के निकल रही है। और आप देखेंगे यहाँ पर जो हमने कलर प्रिंट निकाला है वो भी काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी में निकला है, आप देख सकते हैं कलर प्रिंट भी निकला हुआ है और ब्लैक एंड वाइट भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का प्रिंट हुआ है, आप ये भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने जो है इस प्रिंटर की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। मैंने आपको सारी चीज़ें बिल्कुल लाइव दिखाई है कि आपको जो है पूरे हेड को कैसे क्लीन करना है। इस तरीके से अगर आपका हेड जाम है तो उसे आप फ्री कर सकते हैं और अगर आपका सादा पेज प्रिंट हो रहा था तो वो जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अच्छे तरीके से प्रिंट होने लगेगा, कलर प्रिंट होगा और ब्लैक एंड वाइट दोनों प्रिंट होगा।